दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लैपटॉप का डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पेन ड्राइव जो है कनेक्ट कर देना है, तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। आपको इन सभी एरर को यहाँ से कट कर देना है, अपना माई कंप्यूटर खोलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पेन ड्राइव हमने लगाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल 14.5 GB का है हमारा पेन ड्राइव, जिसमें से 627 MB अभी खाली भी है। अपनी फाइल खोलनी होगी जहाँ पे आपको जो भी फाइल भेजनी है अपने पेन ड्राइव में। जैसे मुझे ये दो वीडियो भेजने हैं अपने पेन ड्राइव में, तो आपको लेफ्ट से क्लिक करके इन दोनों वीडियो को सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा, कॉपी करना होगा और कॉपी हो जाने के बाद यहाँ से कट कर देना होगा और अपना पेन ड्राइव खोलना होगा। पेन ड्राइव की फाइल को हमें ओपन करना होगा। ओपन हो जाने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू, और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर ओपन हो गया और इसे ओपन करना है और इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप की फाइल है वो हमारे पेन ड्राइव में कॉपी हो गई है। कुछ इस तरीके से ये कॉपी है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर की फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव का डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो आपको पेन ड्राइव को ओपन करना होगा और जो भी आपको वीडियो चाहिए पेन ड्राइव का उस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना होगा और कॉपी कर लेने के बाद अपने माई कंप्यूटर में जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप, जैसे मैं इस फोल्डर पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो जो मेरा पेन ड्राइव की फाइल है वो हमारे लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव का डाटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लैपटॉप का डाटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।